गुड द वेरी मॉर्निंग्स. हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एवी वेंचर्स. तो आज है हमारा डे 3 ऑफ दिस ट्रिप और अभी हम हैं वीरान से इलाके में. ओवर देयर इज स्पिति वैली और हमारे पीछे उधर थी किन्नौर वैली. और अभी हम बैठे हैं जस्ट फॉर अ ब्रेक. और व्यू देखो, यहाँ से सड़क जा रही है नीचे, देन नीचे 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 नीचे. एंड दिस इज व्हाट स्पिति वैली इज ऑल अबाउट, अच्छे वाले व्यूज. दिस इज़ आर टेंट जिसमें हम लोग रुके हैं. बाकी यहाँ पे और भी टेंट्स हैं. मस्त मौसम हो रहा है, सामने बादल. सो सैड कि हमें अभी निकलना है क्योंकि हमें जाना है आगे स्पिति. बट ये जगह भी अच्छी है. ये हमारे टेंट का अंदर का सीन. वहाँ सामने दैट इज़ द वॉशरूम. और अब इट्स टाइम टू लीव. आज का हमारा डेस्टिनेशन गाज़ा. लेकिन वहाँ जाने से पहले रास्ते में कुछ और काम भी है जो हमें करने हैं. तो वी विल कीप यू पोस्टेड. तो यू गाइस एंजॉय द व्यू. वेलकम टू द थर्ड डे ऑफ आवर ट्रिप टू स्पिति. और अभी हम हैं नाको में. नाको इज़ अ स्मॉल टाउन इन किन्नौर जो कि फेमस है अपनी मोनेस्ट्री और अपनी लेक के लिए. और अभी हम जा रहे हैं लेक पे. वहाँ से हम नीचे आए ऑल द वे टू द नाको लेक. दिस इज द नाको लेक. ओके, यहाँ पे पानी बह रहा है. द थिंग इज़ कि गाड़ी मेरी खड़ी है यहाँ पे. मुझे जाना है यहाँ से आगे. आगे से गाड़ी घुमाने का रास्ता है नहीं. तो आई विल बी गोइंग स्ट्रेट अप और उसके बाद रिवर्स करके यहाँ से वापस नीचे. दिस इज़ गोइंग टू बी फन. नाको अपने आप में एक बहुत सुंदर गांव है लेकिन यहाँ की गलियाँ बहुत संकरी हैं. सो ड्राइविंग कैन बी अ बिट ट्रिकी, जैसे यहाँ की पार्किंग से रिवर्स करके बाहर आना. इनफैक्ट स्पिति के बहुत से इलाकों में आपको अच्छे ड्राइविंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो प्लान अकॉर्डिंगली. नाको में एक पुरानी मोनेस्ट्री भी है. तो इफ़ यू गाइज हैव टाइम यू कैन विजिट दैट टू. हम यहाँ पहले जा चुके हैं तो वी आर स्किपिंग इट. इट वॉज टाइम टू लीव नाको एंड कॉन्टिन्यू आवर जर्नी टूवर्ड्स स्पिति. नाको से निकलने के बाद हमारा वेलकम किया नेचर की कुछ बेस्ट सीनरीज़ ने और साथ में कुछ खतरनाक पहाड़ों ने. यस, यहाँ के पहाड़ काफ़ी रिस्की हैं एंड यू कैन नॉट टेक इट एज अ जोक. आप जितना ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करोगे उतना सेफ रहोगे. आज का हमारा डेस्टिनेशन काजा. हम नाको से निकल के टाबो से होते हुए वहाँ पहुँचेंगे और रास्ते में आज हम दनकर मोनेस्ट्री भी जाएंगे. आज का जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स. हाइट कम होने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे कम है, इसलिए यहाँ पे पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं. इनफैक्ट हमारे सामने भी कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे लेकिन लकीली कुछ नुकसान नहीं हुआ. और फिर आया नोटोरियस मलिंग नाला. ये रास्ते में एक वाटर क्रॉसिंग है जो आज की डेट में भी बारिश में क्रॉस करना सरदर्द बन सकता है.
से हाय। तो स्पिति का सबसे बड़ा फायदा ये है द व्यूज। कहते हैं कि जर्नी इज बेटर देन डेस्टिनेशन। अगर ये बात समझनी है तो एक बार स्पिति आके देखो। उसके बाद आया चांगो। इस टूटे हुए लकड़ी के पुल से धोखा मत खाना, चांगो भी एक फेमस लैंडमार्क है। यहाँ भी एक पुरानी मोनेस्ट्री और एक टेम्पल है, और यहाँ आपको रुकने के लिए होमस्टेज भी मिल जाएंगे। हिमाचल के इस एरिया में तिब्बतियन कल्चर का बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे बुद्धिज़्म को बहुत फॉलो किया जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, और कुछ तो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और फिर स्पिति रिवर के साथ चलते चलते हम पहुंचे सुमदो चेक पोस्ट। यहां पर अपनी एंट्री करवाने के बाद वी ऑफिशियली एंटर्ड स्पिति वैली। क्योंकि बारिश का मौसम था, स्पिति रिवर का करंट काफी तेज था, विच वॉज बोथ स्केरी एंड मेस्मराइजिंग। बीच बीच में हल्की बारिश भी हो रही थी, विच वॉज मेकिंग दिस ड्राइव वेरी ब्यूटिफुल। एज आई सेड कि स्पिति में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, दिस इज लारीगोंपा। टाबो इज द फर्स्ट मेजर टाउन दैट कम्स आफ्टर एंटरिंग स्पिति। यहाँ पे इस एरिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, और यहाँ आपको रुकने के लिए अच्छे होमस्टेज और गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द टाबो ब्रिज। Here is Spiti without any sound effect. वो जो गेट है, ये रोड जाती है दनकर मोनेस्ट्री वहाँ ऊपर, और ये वाली जो रोड है दिस गोज़ टू काजा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दनकर मोनेस्ट्री एंड होपिंग कि वो खुली हो, कोविड की वजह से बंद ना हो। लाल अभी हमारे लिए खाना बन रहा है, अगेन मैगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं है। अभी राजमा चावल बनाए थे, वो सब खा लिए हमने, अभी और भूख लग रही है, तो अभी हम जो है मैगी बना रहे हैं। A few moments later. काजा मेन रोड से दनकर इज अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर ऑफ रूट। हमारे पास दिन कम है, तो सब मोनेस्ट्रीज देखना इज नॉट पॉसिबल, तो हम कुछ सुपर फेमस मोनेस्ट्रीज पे ही जा रहे हैं। दनकर इज वन ऑफ देम। एक टाइम पे ये स्पिति की कैपिटल होती थी, और यहाँ पे राजा का फोर्ट भी था, जो कि अब खंडर बन गया है। ओके,
तो फाइनली वी आर एट दनकर मोनेस्ट्री। यहाँ पे अभी दरवाजे बंद हैं, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कि ये मेन मोनेस्ट्री है या नहीं, अभी किसी से पूछ के देखते हैं। और यहाँ पार्क करिए। एंड दिस प्लेस इज ऑसम। मास्क की वजह से यू कांट सी माय एक्सप्रेशंस, बट दिस प्लेस इज ऑसम। ओके, प्लानिंग में थोड़ा चेंज रह गया। वो जो है वहाँ पे, दैट इज न्यू मोनेस्ट्री, और ओल्ड मोनेस्ट्री है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड मोनेस्ट्री। गाड़ी लॉक कर दूँ। तो दिस इज दनकर मोनेस्ट्री, ओल्ड दनकर मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो अंदर डेफिनेटली वी कुड नॉट टेक एनी स्नैप्स। थिंग अबाउट दिस मोनेस्ट्री इज, ये 1100 साल पुरानी है। स्पिति एरिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और यू कैन से द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। किसी ज़माने में यहाँ पे एक पूरा किंगडम हुआ करता था, राजा यहीं रहते थे। दिस वॉज द कैपिटल। आई शो यू द दनकर। ये है पूरा दनकर गांव। वहाँ पे है न्यू मोनेस्ट्री, और यहाँ ऊपर है ओल्ड मोनेस्ट्री। पीछे राजा का महल। गाड़ी हमारी खड़ी है वहाँ, वो नज़र आ रही है छोटी सी चिन्नी सी, जैसे चींटी के घर होते हैं ना, वैसे यहाँ पे पहाड़ है। सी ऑसम व्यू। स्पिति की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। मड विलेजेस, मोनेस्ट्रीज, ऑफ बीट ट्रैक्स, आप अपनी चॉइस और अपने टाइम के हिसाब से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल इट वॉज टाइम टू बिड गुड बाय टू दनकर एंड एक्सप्लोर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू मिस दीज ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स, जो कि आपको किसी और ही प्लैनेट पे होने का एहसास दिलाते हैं। ले लो चुड़े। यहाँ और भी कुत्ते हैं यार, इसको बचा के रखना। वी आर स्टेइंग एट डेलक हाउस। ये स्पिति का एक पुराना लेकिन बहुत ही वेल मेंटेन्ड बजट होटल है। एम्बियंस हेयर इज मच बेटर देन मेनी न्यू प्रॉपर्टीज। प्लस यहाँ के ओनर राहुल बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल है। सो इफ यू आर इन काजा, डू चेक इट आउट। दिस इज आवर रूम। तो फाइनली वी आर इन आवर रूम। आज का दिन वॉज ऑसम। ब्यूटीफुल ड्राइव, ब्यूटीफुल ट्रिप, ब्यूटीफुल सीन्स। हमने बहुत मस्ती करी रास्ते में, कैंपिंग एंड ऑल, एंड वॉज फन। बट नाउ इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। हालत ख़राब है, वील जस्ट हैव अ डिनर एंड क्रैश। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब कल का दिन हम लोग काजा और उसकी सराउंडिंग सारा एक्सप्लोर करेंगे। तो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, वी विल कैच अप विथ यू टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग। सी या।